बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, Facebook पेज। आज हम बात करेंगे रईस डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से और आमना और फारहान के हवाले से। आज जो है अदालत में उनको पेश किया गया, पुलिस ने मजीद रिमांड मांगा। आज अदालती कार्रवाई थी, वहाँ पर मौजूद एडवोकेट फयाज रामे साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं। फयाज रामे साहब को आप अक्सर बेशतर मेरे चैनल्स पे, हम सब के चैनल्स के देखते रहे हैं और अब भी देखते हैं, दुआ ज़ारा केस के हवाले से या और भी कुछ खबरें जब भी हों तो हम जो कानूनी राय होती है वो इनसे मांगते हैं। और साथ में ये भी हमें अहम होता है कि क्योंकि ये अदालत में मौजूद होते हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा आज फयाज भाई से ज़रा गप लगा लें। फयाज भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक्त निकाला। फयाज भाई, केस बड़ा बड़ा मशहूर हो गया है, बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है और मेरी कल तफ्तीशी अफसर से बात हो रही थी, राणा सुहेल साहब से, तो मैंने उन्हें कहा, कहते हैं जी मैंने तो लगता यूट्यूबर इतने मैंने एक कमरा ही देना पड़ा क्योंकि 25-30 इंटरव्यू डेली तकरीबन इजाजत लेके यूट्यूबर्स आते हैं और आमना और फरहान के कर रहे हैं, फिर उनकी फैमिली के पास चले जाते हैं। सर, मामला बड़ा हाइप क्रिएट कर गया है, मुझे बताइएगा लीगली थोड़ा इस एंगल पे मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। देखें, शवाहिद राणा साहब भी कह रहे हैं जो तफ्तीशी अफसर हैं कि जी CDR में वाज है कि इनकी बातचीत होती थी, वैसे वीडियोस में पहले फरहान ने तस्लीम किया, अब वो मुकर गया, कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा लीगली बताइएगा सर, केस कितना मजबूत है सर, सजा हो जाएगी? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस केस को बड़े अच्छे तरीके से और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस केस के हवाले से पूरी डेडिकेशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर, मैं केस की जानब अगर आऊँ तो सर बिल्कुल एक ट्रू एनालिसिस जो है, देखिए बहुत सारे मीडिया के लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि इसको सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन आप चूंकि आपकी एक शख्सियत है हमेशा हकायक पर बात करते हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो एक ट्रू एनालिसिस है वो इस केस के हवाले से दिया जाए। देखें शायद भाई, 23 अगस्त को ये वकवा पेश आया और 24 अगस्त को सुबह 7 बजे किसी अननोन इन्फॉर्मर ने पुलिस को इतला दी। नियाज नामी शख्स। इस पूरे केस में उस अननोन इन्फॉर्मर की बेस पे लावारस मदयत में, पुलिस की मदयत में एक FIR कटती है और जो कि एक प्रोसीजर है वहां पे फॉरेंसिक पहुंचता है, सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे इस केस में जो मेन चीज है वो ये है कि इस पूरे केस का कोई चश्मदीद गवाह अभी तक पुलिस सामने नहीं लेकर आई। देखें, मीडिया की खबरों में बहुत सारे लोग हैं, बयानात भी दे रहे हैं, लड़के की फैमिली भी बयानात दे रही है, मीडिया पे विटनेसेस भी सामने आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी अदालत में 161 का या 164 का स्टेटमेंट अभी तक किसी विटनेस का इस हवाले से नहीं हुआ कि मैंने इसको मर्डर करते हुए देखा, क्योंकि मर्डर तो उसने घर में ही दिया, ठीक है, या इसको मैंने नाश फेंकते हुए देखा, ठीक है, एक अननोन इन्फॉर्मर ने उसको देखा। अभी यहाँ पे इस केस में पुलिस के पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक ये है कि CDR और कॉल डाटा वीडियोस, जिससे ये साबित होता है कि आमना और उस लड़के का दो तरफा ताल्लुक था, एक गैर मुनासिब ताल्लुक था, ठीक है। उसके बाद मुल्जम के मोबाइल से बरामद होने वाली वीडियो जिसमें उसने उसका एक जबरदस्ती बयान लिया हुआ है कि वो वारदातें करता है, वो डकैतियां करता है। इसके अलावा कत्ल के हवाले से उसको मर्डर किस तरह किया गया, उसमें वेपन कौन सा यूज हुआ और उसको कितनी देर बाद मर्डर करके कौन कौन टाइम पे, ये सारी चीजें देखें। ये केस मर्डर केस है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि इसको इबरतनाक सजा दे दी जाए, इसको लटका दिया जाए, किसास दे दी जाए, इस्लामी सजा दे दी जाए, तो फिर उसके लिए प्रोसिक्यूशन जो है उसको शुड हैव टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट्स, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये ऐसे हम तुक्के नहीं लगा सकते कि इसने मर्डर किया, इसने वहां इसका डाटा निकलाया। उससे दो चीजें तो क्लियर होती हैं कि लास्ट सीन एविडेंस की हद तक एविडेंस है कि आखिरी दफा उसके घर गया, उसके बाद बंदा नहीं मिला, मर्डर इसी ने किया, किस तरीके से मर्डर किया, कितने लोग थे, अभी इस हवाले से डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। डायरेक्ट एविडेंस होने का बहुत बहुत जरूरी है इस केस में। अभी तक ये मेरी नजर में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का तो केस है क्योंकि वीडियोस की सूरत में मटेरियल है, लेकिन डेथ पनिशमेंट का केस अभी तक नहीं है। वो तब बनेगा जब इसमें DNA रिपोर्ट अगर कोई आ जाती है, जैसा कि गाड़ी का DNA करवाया जाता है, गाड़ी की किसी सीट पे ब्लड सैंपल मिल जाता है, वो ब्लड जो है वो डिसीज पर्सन के ब्लड के साथ मैच कर जाता है,
या मुल्जम के कपड़ों से मुल्जम के उस दिन वाले कपड़े रिकवर किए जाते हैं, या उस आला कत्ल जो डंडा वगैरह इस्तेमाल किया गया है उससे कोई ब्लड के सिम्टम मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए ये इसको लिंक किया जा सकता है या साबित किया जा सकता है। ये केस प्योरली डीएनए का है जिसके जरिए पता लगे कि ये डिसीज पर्सन का ब्लड जो है इसी वेपन के साथ लगा है या गाड़ी के साथ लगा है, देन उसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जी मैंने कत्ल किया है, मीडिया पे भी बोला, वीडियो पे भी बोला। ये मेरा सवाल यही है प्याज भाई, मेरा सवाल आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है, हम अक्सर बेशतर केसेस में देखते हैं, आपने उन नूर मुकदमा वाले में भी हमें देखा होगा, हमने तो उसका इंटरव्यू किया था जब उसको अदालत में पेश किया गया था मुलजिम को। मुलजिम ने कोई 36 या 100 कह लें या 80 कह लें यूट्यूबर्स गए सोशल मीडिया वाले, उनके सामने तस्लीम किया कि जी मैंने गैरत पे कत्ल किया है और हाँ मैंने मारा है और मैंने अच्छा किया है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है। सर मुलजिम तस्लीम कर चुका है, अब वो नहीं मान रहा, अब वो इनकार कर चुका है, पुलिस को भी उसने कह दिया और मीडिया पे भी कह रहा है मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता किसने मारा, वो अब इनकारी हो गया है। सर वो वाला जो एक वीडियो एविडेंस मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने किया है, उसका सर उसका क्या बनेगा, उसकी क्या वैल्यू है अदालत में, वो कोई काफी है इस सबूत के तौर पर? नहीं नहीं, उसमें शायद भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं है। ये दो तरह का कन्फेशन होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन जो जज के सामने होता है, ठीक है, 164 जी जी जी, या एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो अदालत के बाहर पुलिस के सामने होता है या किसी प्राइवेट बंदे के सामने होता है। अब ये जो अब हमारे क्रिमिनल लॉ में सबसे कमजोर तरीन एविडेंस जो है वो ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और इससे अदालत के बाहर जी जी किसी भी वक्त मुकर सकता है, ये कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर तो किसी प्राइवेट विटनेस के सामने जो है उसने एतराफ किया वीडियो में, अब वो वीडियो बनाने वाला अगर अदालत में वो वीडियो सबमिट करे साल उसका फ्रांसिक को साथ, वो अपना बयान कलम बंद करवाए कि मेरे सामने इसने बयान दिया था, फिर भी वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, फिर उसके साथ अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को मैच किया जाएगा। अब लेट्स वो बताता है कि जी मैंने गाड़ी में डालकर डंडे से मारा है, और पोस्टमार्टम में आ जाता है कि इसकी जो हलाकत है वो छुरी से हुई है या किसी और वेपन से हुई है, तो उस कन्फेशन को आप क्या करेंगे, वो तो कन्फेशन तो ये है कि अगर तो वो कन्फेशन जिस तरह से उसने बताया है, अदर मेडिकल रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस उसी तरह से उसकी तस्दीक करें, तो फिर जाके फिर भी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का केस बनता है, और वो भी कोई बहुत अच्छी वकालत करे, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट के लिए डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को अपना केस बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रूव करना है, ये उसकी कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह सकता कि शायद ने इकरार कर लिया कि मैंने ये मर्डर किया है, वो जज ने कहना भाई तू बता तेरे पास क्या एविडेंस है, एलिगेशन तूने लगाया है, ठीक है। तो ये है कि अभी तक माजरत के साथ ये जो फैमिली है उन्होंने भी पता नहीं कौन कौन से गवाह पेश कर दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी नजर में अभी तक किसी बंदे का अदालत में बयान नहीं होना हुआ, जो कि बहुत जरूरी है, जो ये बता सके। इधर ही आपको रोकूंगा मैं, आगे आपसे अगला सवाल वही फैमिली वाला करूंगा। मुझे बताएं जो मख्तूल रईस है उसका भाई कह रहा है कि जी मेरे हम इसके दो दोस्त हैं जो इसको छोड़ने गए थे, उन्होंने देखा आमना ने दरवाजा खोला, फरहान और उसका भाई खड़े हुए थे, वो लोग क्या वो सिर्फ मीडिया पे बयान दे रहे हैं, अदालत में पेश नहीं, और अगर वो बयान देते हैं तो उनके बयान की कितनी अहमियत होगी? फिर आगे चल के जरा ये भी साथ ही बता दीजिएगा कि इनकी फैमिली को अब क्या करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। देखें वो जो लोग हैं अगर उन्होंने ये यहाँ पे अब मैं बात करते हुए मुझे लेकिन आपने सवाल किया मैं कर देता हूँ, अगर उन लोगों ने देख लिया तो फिर मिसिंग कंप्लेंट क्यों फाइल की, ठीक है, कि हमारा बंदा जो पता हो गया। अब यहाँ पे आके अगर उन लोगों ने देख लिया है तो डेफिनेटली फिर उनको बयान अदालत में भी देना चाहिए, और पुलिस ऑफिसर के पास आइयो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जाकर 161 का जो है वो स्टेटमेंट देना चाहिए, और उन्हें पूरा बताना होगा कि इस तरह का हुलिया था, ये शख्स था, इसने ये कपड़े पहने हुए थे, ड्राइविंग कौन कर रहा था, पूरा एक उनको वकुबा बताना होगा ताकि उसी हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सके और चीजें रिकवर। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये अभी तक पूरे मीडिया को और पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया जा रहा है जिस तरह से ये तशद्दुद हुआ है। मैं क्योंकि प्रैक्टिस करता हूँ, अदालत में रहता हूँ सारा दिन, तो इस तरह के केसेस को देखते हैं, खुद भी करते हैं, ये एक बंदे का काम नहीं है सर। आपको क्या लगता है कि ये दो मियां बीवी ने मर्डर कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर,
ये दूसरे को अक्यूज पर्सन को बचाने के लिए अपने सर पे इल्जाम फॉर द टाइम बीइंग ले रहा है पुलिस के सामने, अदालत में जाके ये मुकर जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर है। जिस तरीके से इसने उसको ट्रैप किया, लड़की बनकर उसको पूरी सेटिंग की, इसने पूरा एक प्लान सेट किया मर्डर करने से पहले, और इसने डेफिनेटली अपना अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे दो से तीन लोग हैं या चार लोग हैं जिन्होंने मिलकर इसके साथ तशद्दुद किया है और मारा है उसको, उनको सामने अभी तक नहीं लाया गया, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। पुलिस को अननोन करता है और वो कहते हैं जी बल्ले बल्ले वो बंदा मान गया और हमने मना लिया उसे, बस यही हमारे पास एविडेंस है। अदालतों में सजाए मौत इस तरह के एविडेंस पे बहुत मुश्किल होती है जी। अच्छा अच्छा, तो बस फियाज भाई ऐसे आधे मिनट में मुझे बता दें, वीडियो लंबी हो रही है, मैं तो चाह रहा हूँ बल्कि किसी वक्त मैं और आप रात को इकट्ठे लाइव भी कर लेंगे, मुझे आधे मिनट में बता दें, मर्डर, अकरेंस ऑफ मर्डर और जलाना, ये किसी ने नहीं देखा, ठीक है, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो इससे केस कमजोर हो रहा है, आपका कहने का ये मकसद है? जी जी, अच्छा जी, मतलब ठीक है जी 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 जी, मैं इसमें यही देखें, ये बेसिक चीजें हैं जो साबित करना होगा। आप मेडिकल पोस्टमार्टम बता देता है कि उसमें पोस्टमार्टम अगर होता है उसमें कॉज ऑफ डेथ पता चल जाती है, कॉज ऑफ डेथ, यस यस जी। अब इस केस में सबसे पहली बात यह है कि बॉडी को जलाने से ही मेडिकल एविडेंस बहुत जाया हुए हैं, ठीक है, और अभी पोस्टमार्टम में वो चीजें नहीं आ सकी होंगी जो आनी चाहिए थी, तो इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। ये एविडेंस अगर उनके पास है जैसे उसके भाई ने बताया, तो वो मीडिया पे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, वो उसको अदालत में जाकर प्रैक्टिकली उनके बयान कलम बंद करवाने होंगे, और अगर कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन विटनेसेस ने देखा है, तो वो भी चीजें कब्जे में लेनी होंगी और उसको पुलिस फाइल का और जुडिशियल फाइल्स का हिस्सा बनाना होगा, फिर ही कोई बात बनेगी। अदरवाइज तो ये केस सिंपल एक डीएनए पे बेस कर रहा है, अगर तो डीएनए में ब्लड सीमन और दीगर चीजें मैच कर गई तो फिर तो इसको सजाए मौत से नहीं बचा सकता, क्योंकि वो एक कंक्लूसिव किस्म का एविडेंस है। अगर डीएनए में आता है कि जनाब ये ब्लड मैच ही नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? ओह अच्छा, ठीक है फयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस केस के हवाले से इसी तरह आपसे नशिस्त होती रहेगी। व्यूअर्स को भी जो है मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह हम आइंदा आपको लीगली इस तरह की चीज़ों पे जरूर फयाज भाई से रब्ता करते हैं। फयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।